पन्नी को जाऊं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मेरा ब्लॉग हो गया था मॉर्निंग से शुरू, और यहाँ मेरे लल्ला और माता रानी दोनों लोगों को स्नान ध्यान करवा दिए थे, और आज पूरा पूजा भी नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत करके बस आ गए हैं, क्योंकि आज कहीं जाना है। और कहाँ जाना है आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ मानस के लिए उसकी फरमाइश थी, मम्मी सैंडविच बना दो, तो उसको प्याज मेरे यहाँ खाया नहीं जाता, टमाटर उसको पसंद नहीं है, तो यही बस थोड़ा सा आलू रात को उबाले थे ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वही रखे थे, वही अच्छे से थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और वही थोड़ा थोड़ा सा डाल के, और चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा चीज़ डाल के, और अच्छे से बन के हो गया है रेडी। तो ज़्यादा बनाए भी नहीं है, बस 6 से 7 बनाए हैं। जाना है मुझे कहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ ये खाने लगा था, और इसका रिएक्शन देख सकते हो आप सब, कितना टेस्टी लगा इसको। और थोड़ा मन नहीं आया, मम्मा ये नहीं खाएंगे, दूसरा खाएंगे, तो ऐसा होता है बच्चों का कि अगर जो मतलब एक पीस है ना उसमें थोड़ा खा लो तो दूसरे पीस का उठा के खाना ज़रूर है। तो यहाँ ये खाने लगा था, और इसको जल्दी से रेडी करके भेज देंगे, और फिर मैं कहाँ जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ क्योंकि शूट करने का टाइम भी थोड़ा भी नहीं मिला था, और मैं यहाँ पूरा काम फिनिश करके और रेडी होके भी निकल ली हूँ, क्योंकि खाना वाना भी बन गया है, और अभी बज रहे हैं, मैं घर से निकली हूँ तो बज रहे थे 7:30, और मानस का बैन भी आ जाता है 8 बजे तक, तो रेडी करके आए थे ताकि जाने में उसको प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये रास्ते का व्यू था, और यहाँ हम लोग आ गए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ आए हैं, तो यहाँ हम लोग जल ले लिए थे, तो मैं सोच रही थी ना ये जल इससे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो पहले नल से लिया जाता था, अब ये बोरिंग है क्या है मुझे नहीं पता है, फर्स्ट बार मैं देखी हूँ। और यहाँ से जल ले लिए थे, और यहाँ ये ना पूरा बेलपत्री पूरा फटा था, तो यहाँ HB एक एक निकाल निकाल के दे रहे थे, जो फटा नहीं था ना वही चढ़ाना चाहिए, फटा रहे तो उसे नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन अब इन लोगों को इतना ज़्यादा लोगों को देना रहता तो एक एक अलग करके तो रखेंगे नहीं, बहुत सारा है, तो उसमें में से बस एक एक ही पत्ता मिला था हम लोगों को जो फटा नहीं था, और बहुत सारे पत्ते थे लेकिन फटे फटे सब आ रहे थे। और यहाँ हम लोग जल लेके और फूल लेके चल दिए थे, और भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे थे। आज था मंडे, और शिवरात्रि के दिन हम लोग नहीं जा पाए थे, तो इसलिए हम लोग आज गए। और ये मंदिर समझ लो मैं कम से कम 6 या 7 साल के बाद आई हूँ, क्योंकि 6-7 साल पहले आए थे यहाँ। ये मेरे गांव से काफ़ी दूर है, 70-80 किलोमीटर होगा, तो काफ़ी दूर है, और यहाँ हम लोग आ गए थे। तो ये मतलब मंदिर बहुत होते होते नहीं कि बहुत पुराना मंदिर होता है, और वहाँ जाना ऐसे होते नहीं कि हाँ सब लोगों का मन्नत भी रहता है, मन्नत भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ दादी मन्नत करके गई थी, तो वो उनका तो डेथ हो गया है, लेकिन जो मन्नत था वो पूरा करना था, तो यहाँ हम लोग आ भी गए। आज मंडे था, ऐसा कोई पर्व नहीं था लेकिन मंडे था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे होते नहीं ये छोटे मोटे मंदिर होते हैं तो कोई पर्व रहता है ना तो फिर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। और भोलेनाथ पे इतने सारे फूल चढ़ाए जाते थे ना कि मतलब वो 2-2 मिनट 1-1 मिनट पे छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, वो लोग हटाते थे। और यहाँ बाबा जी जो हाथ में लगाते हैं नहीं क्या बोलते हैं सिंदूर, वो लगा दिए थे, और हम लोग नंदी जी के कान में जो बोलना था वो बोल दिए थे, ऐसा होता ना कि भोलेनाथ का डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ। और यहाँ छोटे छोटे भी भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ भी हम लोग दर्शन किए। और मतलब काफ़ी मूर्ति यहाँ सिर्फ मतलब भोलेनाथ का ही है, बहुत ज़्यादा देख सकते हो पीछे भी साइड भी, हर जगह सिर्फ भोलेनाथ ही नज़र आ रहे हैं, और ये समझ लो भोलेनाथ का ही मंदिर है। और यहाँ हवन कुंड भी है पास में, तो यहाँ सभी लोग जो भी थे कोई पिक ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था अंदर, तो वहाँ कोई कुछ भी थोड़ा भी नहीं ले पाए थे हम लोग,
बस बस थोड़ा बहुत। और ये है हवन कुंड, यहाँ होता है हवन, तो यहाँ भी मतलब ऐसे अंदर जाके तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दूर से प्रणाम कर सकते हैं। तो हवन कुंड को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और देख सकते हो कितना दूर तक, तो और काफ़ी बड़ा बना है और काफ़ी ऊंचा भी बना है। तो यहाँ पूरा हम लोग आराम से घूमे थे, परिक्रमा भी किए थे। और मैं वीडियो पूजा करते वक्त तो कभी बनाती नहीं हूँ, बस पूजा करने के बाद ही पूरा वीडियो बनाए थे, तो थोड़ा बहुत जो भी बन पाया था वो बना लिए थे। तो आप सब भी भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ये मैच भी लोटा भूल के आ गए थे, तो वहाँ गए थे दोबारा से लोटा लाने। और मैं हम दोनों लोग अभी चल रहे हैं, मिले ना तो सर बहुत दर्द होगा ही होगा। तो यहाँ सामने ही था, और HB हम लोगों के यहाँ ना लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो होटल पे रहो ना तो खाना पड़ता है, मजबूरी है, बट HB नहीं खाते हैं वहाँ भी। तो यहाँ बस थोड़ा बहुत खा लिए थे हम लोग, और चाय पिए जो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मतलब प्याज व्याज नहीं डलवाए थे, बस वैसे हम दोनों जन खाए, क्योंकि मेरे यहाँ प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है। अगर हम लोग कहीं जाते भी हैं ना तो जैसे तड़का है तो मजबूरी है तो खाना पड़ता है, लेकिन कच्चा प्याज नहीं खाया जाता है, क्योंकि हम लोग बालाजी सरकार के भगत हैं। तो जो भी है, बस बालाजी सरकार का पूजा होता है मेरे घर पे, तो इसीलिए ना जिनके यहाँ, ऐसा नहीं है कि जिनके यहाँ होता है वो नहीं खाते, बट अपनी अपनी श्रद्धा, हम लोगों के यहाँ नहीं खाते हम लोग। और यहाँ बस जो ज़्यादा ज़रूरी था वो मिल गया था, तो थोड़ा चाय की जूस की लेते हुए, और अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और रास्ते में एक जगह और रुकना है, थोड़ा वहाँ रुकेंगे, बट वहाँ का कुछ भी मैं सूट नहीं की थी, बस डायरेक्ट घर पे आ गई हूँ वो है, क्योंकि बीच में जहाँ गए थे ना वहाँ मैं ज़रूरी नहीं समझी कि वहाँ का भी ब्लॉग बनाया जाए। ऐसा होता ना कहीं कहीं का कि बस दिमाग में है कि हाँ वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाना है, तो हाँ बस इसलिए नहीं बनाए थे। और यहाँ हम लोग निकल गए थे, तो पास में हनुमान मंदिर भी है, यहाँ भी हम लोग दर्शन किए, और अभी निकल लिए हैं घर की तरफ। और कहीं से घूम के आओ ना तो अलग ही खुशी रहती है, क्योंकि डेली डेली हम लोगों को तो सिर्फ कैद ही रहना है, क्योंकि हाउस वाइफ हैं भाई, तो कैद रहना ही रहना है। और यहाँ आ गए थे घर पे, तो बस अभी कुछ दाना पानी करेंगे हम लोग। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा।